नमस्कार, जय गणेश। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का सब्जेक्ट है जब चंद्र के ऊपर से राहु का गोचर ट्रांजिट हो तो क्या परिस्थिति होती है जातक की, इसके बारे में। तो जैसे कि अभी राहु जो चल रहे हैं वृषभ राशि के अंदर और राहु चल रहे हैं अक्टूबर तक रोहिणी नक्षत्र के अंदर, तो वृषभ राशि वाले जो भी जातक है जिनका जन्म का चंद्र वृषभ राशि के अंदर है, ये जातकों को ये राहु का जो ट्रांजिट है मानसिक परिस्थिति उनकी खराब करेंगे। वृषभ में तमाम जिनका भी जन्म हुआ है, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों तीन नक्षत्र वाले जातकों की जो ये राहु ट्रांजिट है वृषभ की, ये मानसिक परिस्थिति खराब करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा, जिनका भी जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, जिनका जन्म का चंद्र रोहिणी नक्षत्र में है, ये जातकों को इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, मानसिक इफेक्ट होगा। तो मानसिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन कौन से जातकों को किस प्रकार का मानसिक इफेक्ट होगा, अब समझिए कि जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करने वाले जातक हैं, तो इनको पढ़ाई के रिगार्डिंग स्ट्रेस होगा। जो जातक मैरिड हैं, इनको दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में तनाव आने का स्ट्रेस टेंशन होगा। तो पर्सन टू पर्सन जो ये कंडीशन है ये बदल जाती है। और कोई जातक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो उनको भी तनाव या स्ट्रेस एब्रॉड के कारोबार के कारण आने की संभावना रहती है, तो उसके कारण कुछ तनाव, टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है। तो अब समझिए कि हर किसी को मानसिक तनाव है, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है ये कंडीशन इसकी बदल जाती है। किसको कहाँ से टेंशन आएगा ये तो जातक की जो उम्र है और जातक के जन्म के ग्रह भी कितने बलवान हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और ग्रह का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो सूर्य से भी होता है। तो सूर्य से भी राहु आपके कौन से स्थान में चल रहे हैं, कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ, और वृषभ राशि वाले कोई मित्र हैं या तो जिनका जन्म हुआ है 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, जिनके जन्म के सूर्य वृषभ राशि में है, ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रेडिक्शन और नॉलेज का लाभ मिले। क्योंकि ग्रहों का हमारे ऊपर दो प्रकार से इफेक्ट होता है। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो फिजिकल होता है, और चंद्र से जो हमारे ऊपर ग्रहों का इफेक्ट होता है वो मानसिक होता है। तो ग्रह शांति के लिए, निवारण के लिए, राहु शांति के लिए क्या करना है, सिंपल प्रयोग है। हर संडे शाम को, हर रविवार की शाम को 4:30 से 6 जो राहु काल होता है उस समय में आप तीन प्राणी को खिलाएं, कुत्ते को, घोड़े को और भैंस को। ये तीन प्राणी को आप खिलाएं और महत्तम मंत्र करें, ओम नमः शिवाय, देवाधिदेव महादेव का उपासना करें राहु काल के अंदर संडे को। रविवार की शाम को 4:30 से 6 के समय के दरमियान राहु ग्रह की शांति के लिए महत्तम ध्यान मंत्र करें, ओम नमः शिवाय। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक का एक बटन भी जरूर बनता है। चैनल के ऊपर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि चैनल से ऐसे ही जो भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे आएंगे उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। देवाधिदेव महादेव आपका कल्याण करें, ऐसी शुभकामना के साथ मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश।